मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। सिलेक्शन मेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं विरद दुबे और आज के इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से आपको बताने जा रहा हूं कि यूपीएससी और पीएससी वगैरह जो जैसे स्टेट पीएससी वगैरह जो होती हैं उनके लिए कॉमनली देखा जाए तो कौन से अच्छे स्टडी मटेरियल होते हैं और इन्हीं प्रकार के स्टडी मटेरियल पर आज का ये वीडियो है। दोस्तों जब भी मुझे आपसे विभिन्न सोर्सेस से अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से जैसे व्हाट्सएप से ईमेल से फेसबुक से टेलीग्राम आदि से जब कोई मैसेजेस मिलते हैं तो आजकल आने वाले इन मैसेजेस में मैं देख पा रहा हूं कि स्टूडेंट्स की एक विशेष जिज्ञासा होती है और ये जो जिज्ञासा दिख रही है इसमें क्वेश्चन एक कॉमन बन रहा है कि सर यूपीएससी की तैयारी किस प्रकार से करें, किन किताबों को पढ़ना चाहिए, कुछ किताबों के नाम बता दीजिए, कोई अन्य स्टडी मटेरियल हो तो बता दीजिए प्लीज़। ऐसे करके बहुत सारी क्वेरीज जो हैं कई दिनों से मुझे प्राप्त हो रही है। दोस्तों आपकी इस जिज्ञासा का मैं पूरा सम्मान करता हूं और मुझे लगता है कि आपके लिए ये ज़रूरी भी है इस प्रकार की जिज्ञासा रखना, क्योंकि ये जो पीएससी है सिविल सर्विसेज हैं ये एग्ज़ाम्स मतलब ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इस तरीके से प्रिस्क्राइब हुआ है या दिया जाता है इस तरीके से कि उसके लिए उसके नोटिफिकेशन में कोई अलग से किसी बुक का रेफरेंस नहीं दिया जाता, कोई रेफरेंस इस तरीके की बुक लिस्ट का नहीं मिलता और सिलेबस भी कुछ इस तरीके से मतलब अजीब तरीके का बहुत वास्ट सिलेबस दिखाई देता है कि आपको एक अंदर ही अंदर एक आप अपने आप में एक लड़ाई लड़ने लगते हैं, द्वंद्व सा महसूस करने लगते हैं कि इनफैक्ट ये जो सिलेबस है ये कवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके इस द्वंद्व से मैं कोशिश करूँगा कि आपको मुक्ति दिला सके और सही रास्ते पर ला सके। आपको सही रास्ता मैं दिखाने के लिए आज इस वीडियो को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इन सब चीजों पे मैं डिटेल जानकारी तो आज दूंगा ही, लेकिन इससे पहले मैं कुछ बेसिक जो सैद्धांतिक बातें हैं उन पर चर्चा कर लेना चाहता हूं, उन पर मैं चाहता हूं कि डिस्कशन करूं आपसे। तो सबसे पहला जो डिस्कशन है वो है YPSC और IAS या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो है आप जो करना चाहते हैं स्टेट पीएससी वगैरह जैसे हैं तो वो क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये अपने आप से पूछना होगा। हर किसी की इच्छा नहीं होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ इच्छा ही होती है। ऐसे दो तरीके के जो लोग होते हैं इनका सिलेक्शन जो है वो PCS PSC या UPSC या IAS या IFS या IPS या इस तरीके के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें नहीं हो पाता है। रीज़न कि सिर्फ इच्छा रखने से नहीं चलेगा काम। आपको पहचानना होगा कि आप PCS या PSC या IAS या दूसरी UPSC के एग्ज़ाम जो अगर क्लियर करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको अपने आप से यही पूछना चाहिए। और जब आप अपना पहला क्वेश्चन अपने आप से जब ये पूछ लें तो यहां पर अगला क्वेश्चन पुट होता है कि आप कौन हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये था कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए आपके मन में कि आप कौन हैं। कौन है का मतलब यहां पर ये है कि आप 10+2 करके अभी 10+2 यानी कि इंटर क्वालिफाई किया है आपने, या फिर आप ग्रेजुएशन के लिए अभी 1 या 2 साल आपका रह गया है, या फिर आप वर्किंग हैं, या फिर आपने फर्स्ट सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट जो है वो दिया हुआ है। कौन है आप, इसमें में से किन कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहां पर हैं तो आपको अभी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। अगर आप यहां पर हैं यानी कि 10वीं पास करने के बाद 1 साल 2 साल आप ग्रेजुएशन में हो गए तब भी शायद आपको जानकारी कम होगी। वर्किंग वाली कैटेगरी को अभी हम थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं, लेकिन अगर आपने 1-2 बार 3 बार अगर अटेम्प्ट पहले कर रखा है तो आपको अच्छी तरीके से इसके सिलेबस की जानकारी होती है।
अब वर्किंग जो पर्सनैलिटी हैं उनके लिए थोड़ा सा बात यह है कि उन्हें टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट उन्हें अच्छी तरीके से आना चाहिए, अदरवाइज उनकी सफलता के चांसेस फिर कम हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को रियलाइज करने के बाद ही आपको जो मैं आज वीडियो पर दूंगा बताऊंगा वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर ढूंढ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो अगर हम यूपीएससी के आईएएस की बात करें, यहां पर मैं एक एग्जाम का उदाहरण लेकर के चल रहा हूं, अगर हम यूपीएससी के आईएएस की बात करता हूं, आईएएस का फॉर्म जो है वो अभी कुछ दिन पहले ओपन हुआ था, जिसमें से आप देख रहे हैं इसकी ओपनिंग डेट फरवरी एंड मार्च में थी। इसके जो प्रीलिम्स हैं वो जून के फर्स्ट वीक में होने थे, हो सकता है कि अभी ना हो सकें जो कोरोना वायरस डिजीज की वजह से। मेंस इसका सितंबर के सेकेंड वीक के आसपास होना था और इंटरव्यू जा करके कहीं उसका दिसंबर या जनवरी के आसपास होना था। हो सकता है कि शेड्यूल में चेंज हो सकता है ना भी हो, हमें तो ये मान के चलना है कि शेड्यूल में चेंज नहीं होगा। तो ये तो हो गया कि कब ये वैकेंसीज आती हैं, ये चीज़ आपको डायरी में कहीं नोट कर लेना चाहिए, इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर आपको प्रिपेयर रहना चाहिए इसके लिए। अब यदि इन सब उत्तरों के मिलने के बाद आपको ये कन्फर्म हो जाए कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्रिपरेशन करने में किन चीज़ों की नीड आपको सबसे पहले होगी, उसमें से एक तो है आपका ये सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर। किसी भी व्यक्ति को जो पीएससी की तैयारी करने जा रहा है उसे इन दोनों चीज़ों की भरपूर जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। सिलेबस की जानकारी के बगैर आप तैयारी क्या करना चाहते हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपके इस सिलेबस में से कौन से सेक्शन जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन क्रिएट करता है इसकी जानकारी मिलेगी। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम 3 से 5 साल प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो 3 to 5 ईयर के जो होने चाहिए वो आप उसको देखें। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। इसके अलावा यदि अगर हम प्लान फॉर द एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस में होता है, इसकी टू स्टेजेस हैं और इन 2 स्टेजेस में एक है प्रीलिम और दूसरा है मेन। इन 2 स्टेजेस में आपका ये पेपर क्वालिफाई किया जाएगा अगर तो आप सक्सेसफुल माने जाएंगे। पहला जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्रीलिम यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और जो मेंस होगा वो रिटन एंड इंटरव्यू से के साथ होगा। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं और मेंस में 9 पेपर होते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। तो इनकी डिटेल मैं आपको अभी आगे देता हूं। इनकी डिटेल को यदि अगर आगे मैं दे रहा हूं तो आप देखिए, प्रिलिमिनरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें 2 कंपलसरी पेपर होते हैं जो कि 200 मार्क के होते हैं प्रत्येक, ठीक है। प्रिलिमिनरी में 2 कंपलसरी पेपर होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। एक कहलाएगा पेपर फर्स्ट और एक कहलाएगा जनरल स्टडी पेपर सेकंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कहलाएगा। पेपर फर्स्ट जो है उसकी डिटेल अभी मैं आगे दे दूंगा। पेपर सेकंड जो है वो सीसेट है। सीसेट केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें 33% मार्क्स जो है केवल लाने होते हैं क्वालिफाइंग। लेकिन ये इसको आप आसान ना समझिए और ये बहुत कठिन भी नहीं है हालांकि, लेकिन इसको आप बहुत आसान भी नहीं मानिए क्योंकि अक्सर लोग इसे सरल समझ बैठते हैं और ये क्वालिफाई होने के बावजूद भी यहाँ पे वे फेल रहते हैं, इसलिए इनके यहाँ पे क्वालिफाई होने का कोई महत्व नहीं रह जाता। दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाता है। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। तो ये है प्रीलिम का सिलेबस। प्रीलिम के बाद हम बात करते हैं अब ये जो प्रीलिम में पार्ट ए पेपर 1 जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। देखिए पार्ट ए में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये कवर होगा। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स ये कवर होगा आपका। तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस स्लाइड में साफ साफ दिख रही है कि करंट इवेंट से नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के न्यूज़ के क्वेश्चन पूछे आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ऐसे करके तमाम सारे सिलेबस जनरल साइंस तक आपके दिए गए हैं, ये आपको तैयार करने होते हैं। इसके अलावा पेपर सेकंड की बात करते हैं तो पेपर सेकंड जिसको हम लोग सीसेट बोलते हैं, ठीक है, सीसेट
ये सीसेट जो है ये 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे के लिए ये भी होगा, लेकिन मैंने जैसा कि बताया पहले कि इसमें 33% मार्क्स जो आपको स्कोर करने हैं ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो कॉम्प्रिहेंशन होंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स से रिलेटेड होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड होंगे, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन होंगे, डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, और कुछ 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये सी सेट है जिसमें कुल मिला के आपको 33% मार्क्स लाने हैं। जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों, तब आपकी बारी आती है मेंस एग्जामिनेशन की, और मेंस एग्जामिनेशन में पेपर जो है वो भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक है क्वालिफाइंग नेचर और एक है मेरिट बेस्ड पेपर। क्वालिफाइंग पेपर में सिर्फ क्वालिफाई होना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मस्ट है ये, और मेरिट जो है आपकी बनेगी वो इन पेपर से बनेगी। टोटल मैंने बताया कि मेन एग्जामिनेशन में 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर्स जो है टोटल होंगे, ठीक है, 9 पेपर्स होते हैं, इन 9 में से 2 पेपर जो है आपके ये होंगे क्वालिफाइंग, और 7 पेपर जो हैं आपके वो मेंस के होंगे, ठीक है। अब जो क्वालिफाइंग है वो लैंग्वेज के पेपर हैं, और इसमें से एक जो लैंग्वेज है वो आपकी कोई भी भारतीय संविधान में लिखे गए 22 जो मान्यता प्राप्त भाषाएं, 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इनमें में से किसी एक लैंग्वेज को आपको यहाँ चुनना है, और एक जो है ये मैंडेट रूप में इंग्लिश होगा 300 मार्क्स का। ये दोनों पेपर 300 मार्क्स के होंगे, यानी 600 मार्क्स का आपका क्वालिफाइंग पेपर, दो पेपर जो होंगे वो ये होंगे, बाकी बचे 7 पेपर, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल रही है। पेपर वन की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें 250 मार्क्स हैं, 250 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर सेकेंड की बात करेंगे, अब जितने भी ये तो पेपर वन जो है वो ऐसे है, एक पेपर आपका एसे राइटिंग का होगा, एसे राइटिंग आपका 250 मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स। इसके अलावा जो है आपके सारे के सारे पेपर जो हैं वो जनरल स्टडी के होंगे, जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस तरीके के ये 6 पेपर और ये एक एसे का पेपर मिला के 7 पेपर ये हो जाते हैं। सारे के सारे पेपर जो हैं ये 250 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं ये? 250 मार्क्स के। पेपर फर्स्ट की बात करें तो मूल रूप से देखा जाए तो इसमें हिस्ट्री है, और हिस्ट्री जैसे जो अन्य तत्व हैं जैसे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। इसके अलावा ज्योग्राफी है, वर्ल्ड, और उसके बाद जो है पेपर सेकंड है, जनरल स्टडी पेपर सेकंड, ये पेपर भी 200 मार्क्स का है। इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनल रिलेशंस के क्वेश्चंस होंगे। मुख्य रूप से इसमें कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है, हालांकि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं है इसमें, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल जस्टिस वगैरह की भी यहाँ पर बातें होंगी, तो काफ़ी डीप रूटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा पेपर थर्ड जो जनरल स्टडी का है वो 250 मार्क्स का वो भी है, और उसमें जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और यहाँ से अब क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है विशेष प्रकार के डिजास्टर्स से गुजर रहा है। पेपर फाइव की बात करते हैं जनरल स्टडीज की, तो 250 मार्क्स का ये भी होगा, और बेसिकली ये जो है ये नीति शास्त्र पर आधारित है, यानी एथिक्स पर आधारित है, ठीक है। नीति शास्त्र से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी जो है वो किन किताबों से करनी चाहिए। पेपर फोर जो है ये ऑप्शनल है, और पेपर सेवन जो है ये ऑप्शनल है। इसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट वन एंड पेपर वन, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर टू। ये जो दो पेपर होंगे ये भी 250 मार्क्स के दोनों होंगे, यानी दोनों मिला के 500 मार्क्स के होंगे ये, और इनमें जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है जिन्हें, उसके लिए 26 ऑप्शंस आपको हैं जो कि आपके जो नोटिफिकेशन होता है उसमें मेंशन होते हैं। सब टोटल मिला के अगर इनका देखा जाए तो 1750 हो जाता है, 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, इस प्रकार से 2025 मार्क्स का आपका ये ग्रैंड टोटल बनता है मेंस का, और यही मेरिट में आपके काम आते हैं, इसी की मेरिट बनती है, और आपके द्वारा पाए गए अंकों के अनुसार आपको जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं वो मिलना शुरू होती हैं। तो दोस्तों यहां तक की बात तो मैंने आपको बता दी, अब आपको सिलेबस जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, जो चीज़ें पढ़नी हैं उनके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ देता हूँ, किस तरीके के आपके स्टडी मटेरियल होंगे।
इनको जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले इसको मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा और आपको इन्हीं दो भागों में डिवाइड करके इन्हें पढ़ना चाहिए। पहला पार्ट है आपका अवेयरनेस मटेरियल। अवेयरनेस मटेरियल ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे कि करंट अफेयर्स रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स का एक बड़ा अच्छा हिस्सा आता है इसका प्रीलिम्स वगैरह में और मेंस में भी, इसे राइटिंग में काफ़ी काम आएगा। तो अवेयरनेस मटेरियल जो है वो है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है आपका वो है स्टैटिक मटेरियल। तो इन दोनों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है आगे के वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि कैसे इन दोनों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अवेयरनेस मटेरियल के बारे में बताता हूँ। अवेयरनेस मटेरियल का मतलब ये हुआ कि आप जो सामान्य सचेतता है उससे अवेयर हैं, वो जानकारी क्या देश दुनिया में घट रही है वो जानकारी आपको रहती है या नहीं रहती है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि जो स्टूडेंट्स हैं या तो वे हिंदी मीडियम के हैं या फिर वे इंग्लिश मीडियम के हैं। अवेयरनेस रिलेटेड जानकारी के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप हिंदी मीडियम में हैं तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आप तो भी तैयारी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया अवेयरनेस का जो मटेरियल है और रिलायबल है वो है नेशनल न्यूज़पेपर। और नेशनल न्यूज़पेपर के कुछ मैं अपनी तरफ से सजेस्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों, कौन कौन से हो सकते हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एक हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी भाषा के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए दैनिक जागरण और दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन, ये नेशनल एडिशन ही होना चाहिए बस। दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन अगर आप लेंगे तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान के अलावा आप ले सकते हैं नव भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स के अलावा आप ले सकते हैं दैनिक भास्कर। इस तरीके के जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं ये आप अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आराम से आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप जितने भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है उसको पॉइंट करके उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन कौन से हो सकते हैं। यदि अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा आप द हिंदू के अलावा आप ले सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा आप ले सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस। और ये तीन पेपर जो है मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी जनरल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी होंगे। दोस्तों जनरल अवेयरनेस में अन्य चीज़ों के अलावा इकोनॉमिक अवेयरनेस का भी एक सेक्शन होता है, और इकोनॉमिक रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस हैं इससे अवेयर होने के लिए भी आपको न्यूज़पेपर का सहारा लेना चाहिए। और न्यूज़पेपर का सहारा लेने के लिए आप इकोनॉमिक्स रिलेटेड एक न्यूज़पेपर ज़रूर फॉलो करिए, जैसा कि यहाँ पर है बिजनेस स्टैंडर्ड। बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है, दोनों लोग पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के। और एक इंग्लिश का और पेपर आता है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स। तो ये बात हो गई न्यूज़पेपर की। इसके अलावा बगैर मैगजीन के आपका अवेयरनेस रिलेटेड जो कार्यक्रम है वो पूरा नहीं हो सकता। बढ़िया अच्छे जो स्टैंडर्ड एक स्तरीय जो मैगजीन्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इन स्त्रीय मैगजीन्स में आप सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल को जो है फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मौजूद होता है, आपको ये रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना चाहिए। योजना एक अपेक्षा की जा सकती है कि यदि कोई व्यक्ति पीएससी की तैयारी कर रहा है तो उससे अपेक्षा की जानी चाहिए कि योजना और कुरुक्षेत्र जैसी जो मैगजीन्स हैं वो इन्हें ज़रूर फॉलो करें। ये तीन के तीनों मैगजीन्स आपको दोनों भाषाओं में, और कुछ जगहों पर तो योजना जैसी किताबें जो हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं में भी मिल जाती हैं, आप जो है इन्हें फॉलो कर सकते हैं। बगैर इसके आईएएस की, पीसीएस की या कोई दूसरी सिविल सर्विस की तैयारी में थोड़ी बाधा ज़रूर आ सकती है आपके लिए। दोस्तों इसके अलावा आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि रिलायबल कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो ज़रूर कर सकते हैं, जिन पर आपको पूरा दिन वेस्ट नहीं करना है बल्कि केवल अपनी अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए आप ऑल इंडिया रेडियो और डीडी न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। और ऑल इंडिया रेडियो को फॉलो करने के लिए आप हिंदी में इसके समाचार या इंग्लिश में इसके समाचार डेली शाम को 8:45 से सुन सकते हैं। 15 मिनट हिंदी का आता है और फिर 9:00 से 15 मिनट इंग्लिश का आता है, ये आप सुन सकते हैं। इसके अलावा डीडी न्यूज़ डेली जो है वो आप सुन सकते हैं डीडी न्यूज़ पर जाकर के, हिंदी और इंग्लिश में एक एक घंटे का सेशन ये भी आता है 8 से 9 और 9 से 10 का। तो इसके लिए आप डीडी न्यूज़ का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ से इन दोनों को फॉलो कर सकेंगे और आराम से आजकल तो डीडी न्यूज़ में ये एक ऑप्शन आता है पॉडकास्ट
ऐसे करके कुछ आता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको आराम से न्यूज़ जो है वो सुनने को मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे सिलेक्शन मेंटर पे आपको डेली करंट अफेयर्स जो है यहाँ पर मिल रही हैं, आप उन्हें भी ज़रूर फॉलो करें, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सहायता सिद्ध करेंगी। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक मटेरियल की। मैंने आपको बताया कि दो तरीके से मटेरियल लेने हैं, एक तो अवेयरनेस से रिलेटेड और दूसरा है स्टैटिक। तो अवेयरनेस से रिलेटेड जो मटेरियल्स थे वो मैंने आपको बता दिए, अब आप बात कर लेंगे स्टैटिक रिलेटेड मटेरियल्स जो हैं उनकी। और स्टैटिक रिलेटेड मटेरियल्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हों, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, इसके लिए आपको एनसीईआरटी ये फॉलो करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक स्तरीय कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड बुक है जिसका रेफरेंस लेकर के आप पढ़ाई करते हैं और जिनसे बहुत अच्छे से तरीके से आपको जो सिलेबस है वो कवर करने की इसमें सहायता मिलती है। मुख्य रूप से सभी जो क्लासेस हैं वो 6 से लेकर के 12 तक के क्लासेस की एनसीईआरटी के बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, तो आप 6 to 12 तक के ऑल सब्जेक्ट्स की जो एनसीईआरटी है उसका कलेक्शन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसके अलावा ऑफलाइन भी आप खरीद सकते हैं किसी भी बुक शॉप से। तो बात कर लेते हैं वन बाय वन इसमें से एक एक सब्जेक्ट की। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटी है जिससे कि आपका जो राजनीति विज्ञान है जिसमें कुछ हिस्सा जो है आपका कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है और भारतीय राजनीतिक जो जीवन है और जो सांसारिक राजनीतिक जीवन है उसके बारे में आप स्टैंडर्ड वे में पढ़ सकेंगे, तो सबसे पहली किताब आप यहाँ पर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये आपकी 6th से 8th स्टैंडर्ड तक 1st, 2nd एंड 3rd वॉल्यूम के नाम से आती है, आप इसको फॉलो करेंगे तो इससे आपका सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन है पॉलिटिकल लाइफ है इसकी समझ आपको आएगी। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है लोकतांत्रिक राजनीति को समझने के लिए आपको 9वीं और 10वीं की क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसे फॉलो करना चाहिए और बाकायदे आप अंडरलाइन करके पेंसिल से इसके जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसको जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर पहले पढ़ा है रिवाइज कर सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो उसे अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में अगर आपको पॉलिटिकल सिद्धांत जो है राजनीतिक सिद्धांत जो है वो आपके क्लियर होंगे, क्लास 11th की जो बुक है एनसीईआरटी की उससे बहुत ही अच्छी तरीके से आपका जो पॉलिटिकल थ्योरीज के विषय में जो सिद्धांतवादी जो चीज़ें हैं उनको समझने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क यानी भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, इसको समझने के लिए आपको क्लास 11 की एक और बुक को फॉलो करना पड़ेगा। ये दो पार्ट में आपको अच्छी तरीके से पॉलिटिकल थ्योरीज की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप क्लास 12th की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इसको फॉलो करेंगे तो भारत स्वतंत्र भारत में जो राजनीति है उसकी विधिवत जानकारी आपको यहाँ से मिल सकेगी और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि उस समकालीन जो विश्व की राजनीति है इसकी समझ भी आपको क्लियर हो जाएगी 12वीं की ही इस किताब से जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इन दो किताबों का साथ बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके प्रमुख जो किताबें थीं वो पॉलिटी से रिलेटेड थीं। एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की भी कुछ बुक्स हैं, जैसे एक बुक है 9वीं क्लास की जिसको हम बोलेंगे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, और 10वीं क्लास की जो बुक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दोनों किताबें आपको बेसिक जो अर्थशास्त्र की, जिसको अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं आता है, इकोनॉमिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उनको ये किताबें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। बिना इसके अगर आप कोई दूसरी इकोनॉमिक्स की बुक्स अगर परचेज करेंगे पढ़ेंगे तो उसको समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसके अलावा आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर आधारित क्लास 11 की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो काफ़ी बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपके हैं, और इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने की कोई खास ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये बुक अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो किसी विशेष बुक के रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी इकोनॉमिक्स पर्याप्त है आपके लिए पढ़ना जितना यहाँ पर इसमें आपको मिल जाएगा इस 11th स्टैंडर्ड की बुक में। इसके अलावा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स पर दो किताबें यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में मिलेंगी जिसमें आप अच्छी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर सकेंगे, जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं
वो अच्छी तरीके से आप एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पुस्तकें जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली हैं। अब सबसे कन्फ्यूजन जो होता है वो हिस्ट्री के एनसीईआरटी को लेकर के होता है। उसका रीज़न है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री को कवर करती है, न्यू एनसीईआरटी जो है उसमें आर्ट, लिटरेचर, कल्चर और इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। मैं आपको इतना केवल सहायता कर सकता हूँ कि मैं बता सकूँ कि पीएससीज के एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो ज़्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री आती नहीं है, और अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री आती भी है तो वो मध्यकालीन भारत के बाद की आती है। तो आप मध्यकालीन भारत के बाद की अगर ओल्ड हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी जो है परचेज करना चाहें कहीं से तो परचेज कर सकते हैं, वरना निश्चित रूप से नई एनसीईआरटी से भी आपका काम पूरी तरीके से चल जाएगा। तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे हिंदी माध्यम में लें चाहे इंग्लिश मीडियम में लें। एनसीईआरटी की हिस्ट्री की जो बुक है उसमें नवीं और दसवीं की किताब से आप चाहें तो सिक्स स्टैंडर्ड से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नाइन्थ से स्टैंडर्ड से तैयारी करेंगे अगर आप, तो आपका समय भी काफ़ी बचेगा और काफ़ी कुछ समझने को आपको मिलेगा। इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड भाग एक, भाग दो और भाग तीन, ये आपको नवीं और दसवीं तक में मिल जाएंगे, और ग्यारहवीं में भी इस तरीके की आपको किताब मिलेगी जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब कह सकते हैं कि ये जो बुक है इसके पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री वगैरह आपको मिलेंगे। ठीक, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व के इतिहास से संबंधित, वर्ल्ड के इतिहास से संबंधित कुछ विषय आपको तैयार करने को मिलेंगे कक्षा 11 की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की उनसे, तो इसको भी आप ज़रूर अपने लिस्ट में शामिल करें। हिस्ट्री की एनसीईआरटी की थीम्स की अगर हम अगली किताब की अगर हम बात करें तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री करके तीन हिस्से हैं इसके जो क्लास 12 स्टैंडर्ड में आपको मिलेंगे, और इनसे बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है आपको क्या नाम है हिस्ट्री के सेक्शन में। अगर आप हिस्ट्री सॉल्व करेंगे तो एनसीईआरटी का एक अच्छा आपको कह सकते हैं कि योगदान देखने को मिल सकता है यहाँ पर। इसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड अगर कोई बुक अगर आपको हिस्ट्री की चाहिए, डेफिनेटली आपको फ्रीडम मूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे अच्छी किताब नहीं हो सकती है। बिपिन चंद्रा बहुत ही अच्छी किताब है, आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। इस किताब के करीब जो आपके करीब करीब जो 100 पेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा काम के आने वाली किताबों में से एक हैं। ये बिपिन चंद्रा की है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री जो किताब है ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। मुझे लगता है कि एक स्त्री किताबों में से एक है ये। और इसके अलावा इन्हीं के द्वारा एक और किताब लिखी गई है जिसका नाम है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का भारत। तो ये दो तरीके का इतिहास पढ़ने के लिए विपिन चंद्रा की इन दो बुक को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपकी तैयारी में काफ़ी अच्छी सहायक सिद्ध होंगी हिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा। बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी ऑल बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं 6 से 10 तक की, वो सारी की सारी आप परचेज करके सारी फॉलो कर सकते हैं वन बाय वन। इससे आपका ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आठवीं से लेकर के दसवीं तक की जो किताबें हैं ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। 8th to 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की बुक्स आपके लिए ज़्यादा स्टैंडर्ड की रहेंगी। तो ये तो मैंने आपको एनसीईआरटी की किताबें बता दी। इसके अलावा दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बुक्स है दोस्तों उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ जो कि पीएससी के प्रिपरेशन में सहायक होने वाली हैं। इनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन पॉलिटी के लिए। इंडियन पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छी किताबों में से एक मानी जाती है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत ज़्यादा आपको पॉलिटी के बारे में नहीं दिया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वहाँ से ज़रूर क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फैक्चुअल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको एक डीप रूटेड बुक चाहिए, जिसमें से एम लक्ष्मीकांत और सुभाष कश्यप का अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो किताबें आपके लिए काफ़ी स्त्री किताबों में से एक हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपकी एक किताब है इंटरनेशनल रिलेशंस इन 12th सेंचुरी, जो कि पुष्पेश पंत जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें लगभग 300 पेज हैं, काफ़ी मोटी सी किताब है, पर इसे पूरा मतलब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। करीब अगर आप छांट सकें अपने काम की चीज़ें इसमें तो करीब 100 से 150 पेजेस में आपके काम की चीज़ें इसमें आपको मिल सकेंगी, लगभग आधी किताब। तो आप इसमें समझ सकिएगा कि आपको कौन सी चीज़ आपके फ़ायदे की है। कैसे समझेंगे, मैंने पहले ही बताया आपको, सबसे पहले आपको कुछ भी करने से पहले आपको सिलेबस जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे
तो ये किताबें आपके किसी काम की नहीं है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, आप पूरी किताब पढ़ने बैठेंगे, समय बर्बाद करेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वैसे तो एनसीईआरटी की किताबें सफिशियंट हैं, लेकिन और डीप स्टडी करने के लिए आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में माजिद हुसैन की किताब को फॉलो कर सकते हैं। ये माजिद हुसैन की जो किताब है ये काफ़ी अच्छी किताबों में से एक मानी जाती है ज्योग्राफी में। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो रमेश सिंह की ये भी काफ़ी मोटी सी और काफ़ी चौड़ी सी किताब है, इसके भी करीब 100-150 पेजेस जो हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, हो सकते हैं। बाकी आपके लिए एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा सहायता करने वाली है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप पूरी किताब फॉलो करने लगें। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए अगर देखा जाए तो माजिद हुसैन की ही एक और किताब है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी करके, बाय माजिद हुसैन, तो ये किताब भी आप फॉलो कर सकते हैं, इनसे सबसे काफ़ी सहायता मिलेगी आपको। इसके अलावा इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला एवं संस्कृत, इसके लिए नितिन सिंघानिया की किताब है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके लिए अशोक कुमार और विपुल की किताब है। ये काफ़ी ज़्यादा मोटी नहीं है, काफ़ी पतली सी किताब है, तो इसे आप पूरा फॉलो कर सकते हैं। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एटीट्यूड, इसके लिए जो पेपर फोर होता है उसके लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की और एक्सेस पब्लिशिंग की जो बुक्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। इनकी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये नितिन सिंघानिया के द्वारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर की है। इसके अलावा ये इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अशोक कुमार ये खुद एक IPS हैं, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है और विपुल जी के द्वारा लिखी गई है। और अरिहंत पब्लिकेशन की आपकी चौथे पेपर के लिए एक बुक है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो इन बुक्स को आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो सकेगा। इसके अलावा एसे राइटिंग के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक को फॉलो कर सकते हैं, सीसेट के लिए आप TMH पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं, टाटा मैग्रा हिल, RS अग्रवाल की किताब भी सहायक हो सकती है, और अरिहंत पब्लिकेशन की किताबें भी आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। इन सब के अलावा दोस्तों इकोनॉमिक्स में अलग से बजटीय जो संग्रहण है वो, और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे की जो ईयरली रिपोर्ट आती है वो आपको ज़रूर फॉलो करनी है, और उसमें भी आपको सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिक सेक्शन जो है वो वाले जो सेक्शंस हैं वो ज़्यादा आपको फॉलो करने हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि सहायक सिद्ध होगी ये किताब, ये रिपोर्ट जो है आप ज़रूर उसको फॉलो करें। तो ये तो थी दोस्तों सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किताबें, जिसे पढ़ करके आप जो हैं वो अपनी जो IAS की प्रिपरेशन है, PCS की जो प्रिपरेशन है उसके लिए काफ़ी सहायता आपको मिलने वाली है इन सब चीज़ों से। इसके अलावा मैं बात करूँगा कुछ और भी किताबें हैं जिसे आप अपने व्यूज़ क्लियर करने के लिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी थॉट्स को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए, तमाम सारी जानकारियाँ जो देश में दुनिया में व्याप्त हैं उनकी वास्तविकता को पढ़ने के लिए आपको इन किताबों में से इन सब को मुझे लगता है समय दर समय पर आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये हैं भारत गांधी के बाद इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद गुहा की बहुत फेमस किताब है, हिस्ट्री अगर आप इससे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको कवर होते हुए मिलेगा। इंडिया आफ्टर नेहरू, ये भी रामचंद गुहा जी की किताब है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के मेरे प्रयोग, इसे आप ज़रूर पढ़ें। महात्मा गांधी जी की किताब बहुत ज़रूरी है पढ़ना आपके लिए, भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू जी की है, स्वराज किताब, ये अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लिखी गई है, संस्कृति के 4 अध्याय, यहाँ से आपको इंडियन कल्चर के बारे में काफ़ी जानकारी मिलने वाली है और वैदिक कल्चर के बारे में काफ़ी जानकारी मिलने वाली है, भारतीय अर्थतंत्र, इतिहास और संस्कृति, अमर्त सेन के द्वारा लिखी गई है, इकोनॉमिक्स के ऊपर आधारित, ये भी एक काफ़ी अच्छी किताब है, भारत एक कोच की एक डॉक्यूमेंट्री है बाय श्याम बेनेगल, आप इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर फॉलो करें, किसकी सदी किसकी सहस्त्राब्दी, ये एजाज़ अहमद की एक किताब है, इसे भी ज़रूर पढ़िए, संस्कृति का प्रश्न, जे कृष्णमूर्ति, उभरते भारत की तस्वीर, नंदन नीलकेणी की किताब है, भारतनामा सुनील खिलनानी की किताब है, और एक पत्रिका जो बहुत इंपॉर्टेंट है आहा जिंदगी, इसे आप ज़रूर पढ़िए, चौड़े पन्ने की किताब है, काफ़ी आपके व्यूज़ को क्लियर करने के लिए सहायक होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हैं वो सब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको इसमें से समझना है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। व्हाट टू रीड, हाउ मच टू रीड, कितना पढ़ें और हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, ये सब आपको ही करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो पहले मैंने वीडियो में बताया है उसको फॉलो करिए, एक तो सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर,
अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर पा जाएंगे। अगर आप सीधे जो है किताब उठा के पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरे हिसाब से आप कहीं ना कहीं गलत प्रक्रिया को अपना रहे हैं, जिससे सिलेक्शन से आप काफ़ी दूर रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो जानकारी मैंने दी है ये आपको काफ़ी समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई संदेश या संदेह रह गया है तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं विरद दुबे के नाम से, विरद दुबे, और साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9878238021। इस नंबर पर आपको अधिक जानकारी यहाँ पर मैं और दे सकूँगा, लेकिन इसका जो है सावधानी से प्रयोग करिएगा, मिसयूज इसका ना करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों फिर मुलाकात करेंगे अब आगे किसी और वीडियो को लेकर के, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे करें IAS PCS की तैयारी, कैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। तो धन्यवाद दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपका समय शुभ हो।